हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग लॉच लेमन आए हैं, और लॉच लेमन अभी हम लोग लॉच लेमन के रिवर साइड में हैं। यहाँ पे क्यू लग गए हैं। हम लोग को क्रूज़ में जाना है, और क्रूज़ में जाने के लिए एक बंदे का 15 पाउंड्स लगता है। बिट कॉस्टली, बट इट्स ओके। ये रहा क्रूज़, और अभी हम लोग क्रूज़ में बैठ गए हैं, और ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ से। हम लोग अभी ऊपर बैठे हुए हैं, और इसमें अभी सब कुछ बताता है कि कहाँ पे क्या है, सारा हिस्टोरिकल चीज़ जो कहाँ पे कैसल है, और कैसल कब बना था, कैसे क्या है, सारा डिटेल्स में बताता है। तो अभी आप लोग सुनेंगे। An outlaws for Rome. It has inspired writers, musicians, and artists for generations. It was during the Victorian era that Loch Lomond gained renown. Visitors were drawn from across the world, thanks in large part to the romantic novels of the likes of Tobias Smollett and Sir Walter Scott. Day trippers would travel here by train from Glasgow to. और ये है क्रूज़ के नीचे वाला पोर्शन। इसमें छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, मतलब सब कुछ मिल रहा है, कुकीज़ वगैरह सब कुछ मिल रहा है इसमें, और इस तरह का बना हुआ है। आराम से बैठ के कॉफ़ी पियो, फिर व्यूज़ देखो बाहर का। तो थोड़ी देर पहले हम लोग ऊपर में थे, बट अभी नीचे आ गए हैं क्योंकि हमें बहुत ठंडा लग रहा था। और यहाँ पे इधर हम लोग बैठे हुए हैं, इनाया जा रही है अपने डैडी के पास। और इस क्रूज़ में 1 आवर लगता है पूरा रिवर साइड घुमाने में। ये है ऊपर का पोर्शन, मैं अभी जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहीं बैठे हुए थे, फिर हमें कुछ खाना पीना था, कॉफ़ी पीना था, तो फिर हम नीचे चले गए। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। अभी तो हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, इसलिए ये सब छोटे छोटे बोर्ड सब दिख रहे हैं, और ये डे आउटिंग के लिए बहुत सही है। आ सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग जिस स्टेशन में उतरे थे, उस स्टेशन का ब्लॉच नाम है, और यहाँ पे है एक कैसल, और यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हम ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए, बट इंशाल्लाह अगर कभी आएंगे तो फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।